मात्र ज्यादा नहीं, दो चार छह लोग प्रेजेंट हैं, छह पीपल, छह ही छह लोग है पीपल। चार? एक अभी आया रोशन, सात। सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। हाँ, हम अपना वीडियो भी बंद किए हुए हैं। अच्छा देखो आ गया होगा, अब तुम लोग का स्क्रीन दिखना चालू हो गया होगा, ठीक है। हाँ हाँ जी सर, आ गया सर। देखिए प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के बारे में जानना, हाँ ठीक है। हाँ सर, तो प्रिंटर, प्रिंटर आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि प्रिंटर एक्चुअली है क्या। प्रिंटर आप लोग हमेशा यूज भी करते हैं, चाहे आप साइबर कैफे जाएं, चाहे आप कोई फॉर्म फिलअप करें, किसी भी चीज में आप प्रिंटर यूज करते हैं। तो प्रिंटर है कितने प्रकार के, एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में जानना है। ये आपके जी सेकेंड सर, ईयर का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंटर का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपका। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर को हम दो तरह से काम करते हैं। एक आपका ऑफलाइन वर्क करता है और एक आपका ऑनलाइन वर्क करता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या मतलब अंतर है। ऑफलाइन का मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही प्रिंट सिस्टम रहेगा, ठीक है, और जी उसी के सर, साथ वो प्रिंटर वर्क करेगा, ये हुआ। और ऑनलाइन का यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा प्रिंटर, अगर घर में अगर पांच कंप्यूटर है और पांचों कंप्यूटर को मैंने किसी लैन के द्वारा, यानी इंटरनेट के द्वारा, जो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हो, जैसे आपके लैब जो है कंप्यूटर लैब, उसमें सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम ऐसा शेयरिंग करते हैं इसमें कि कैसे किसी भी पीसी के द्वारा एक प्रिंटर सभी के प्रिंट को वो ले सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक वो प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ सब दे दिए तो सबका एक साथ प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जो कंप्यूटर के से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है, यानी कि हम जो भी कंप्यूटर में यूज करते हैं, जो भी हमें छापना हो, चाहे आपका फोटो हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको अगर हमको छापना होगा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके प्रिंटर का, ठीक। और किसी भी सॉफ्ट कॉपी, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज है और उसे हमें अगर प्रिंट करना अगर हो, यानी कि प्रिंट जब कर लेते हैं, तो वह जो है सॉफ्ट कॉपी से कन्वर्ट होकर के हार्ड कॉपी में आपका बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। जैसे आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए हैं, उसका एक पीडीएफ फाइल आपके हो सकता है मोबाइल में हो सकता है आपके कंप्यूटर में हो, ठीक है। लेकिन जब आप उसको प्रिंट आउट कर लिए, हमारे कॉलेज में आकर के जमा कर दिए, तो जो कॉपी आपने जमा किया वो कॉपी आपका हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। और कंप्यूटर से हम हर एक चीज को प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, एनीथिंग, ठीक है। तो वही है, अब आगे देखते हैं सिंपल तरीके से इसका डिफिनेशन यहाँ पे है। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। करता है ठीक है, क्लियर है। जी सर। एक कौन है, किसके यहाँ गाना बज रहा है जी। चलिए, टाइप्स ऑफ हेलो प्रिंटर, आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखे हैं ना। जी सर, हाँ, तो कॉपी कलम निकालिए और यूज कीजिए। टाइप्स ऑफ प्रिंटर लिखिए, यहीं पे आपका कॉपी बनना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से और एक सर, चीज सेकंड और, का। हाँ, सेकेंड ईयर का यहीं से बनेगा, और दोबारा हम अच्छा ये टॉपिक आपका ऑफलाइन में हम चालू नहीं करेंगे। ओके सर, लेकिन पिछला बार लिखाए थे आप प्रिंटर के बारे में। ठीक लिखाए थे तो उसके बाद आगे का थोड़ा सा है, लिख लो। है अब जब तो इस चैप्टर में पढ़ना है तो हमको थोड़ा सा पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है सर।
आप लिखाए थे लिखे प्रिंटर का डेफिनेशन लिखिए सब लोग, प्रिंटर का डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखे प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है। हेलो हेलो बोलिए। क्या हुआ? प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है। खत्म हो गया। एक मिनट। लिखा गया बोलिए सर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोटे अक्षर में। हाँ लिख रहे हैं सर। बस मेरा पेन अभी नहीं चल रहा है, नेक्स्ट बार से आपका थोड़ा सा सही से चला देंगे। थोड़ा ज्यादा बिजी थे इसलिए हम अचानक हड़बड़ा के क्लास ले रहे हैं। यस सर। हो गया सर। हो गया। लिखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर। जी सर। लिखा गया जी। लिखिए पहला इंपैक्ट प्रिंटर। लिखे लिखा गया इंपैक्ट प्रिंटर और एक तरफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। यानी कि प्रिंटर के टाइप जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंपैक्ट और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। मुझे जरा सा समय दीजिए तो हम आपको शो कर देते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? रुकिए। नहीं सर आपका वीडियो आया हुआ है। आप दिख रहे हैं सर? अच्छा, हम दिख रहे हैं। तो गलती हो गई मुझे, हमको नहीं दिखना था। यस सर। आप ही दिखना सर। चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कहाँ गया शेयरिंग? हाँ प्रिंटर और प्रिंटर्स एवं प्लॉट्स। लो लिखो, इसको लिखो जल्दी से। अच्छा ठीक है सर।
पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्यू प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और नन इफेक्ट में पांच है। चलते होगा चल लिखा गया। एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया ना। स्क्रीन दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा है। चलिए अब लिखिए इंपैक्ट प्रिंटर, ये इन पर आ रहे थे अभी। देखिए इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, इसको पढ़िए जरा अपने से। जो अपने इंपैक्ट प्रोग्राम छोड़ने टाइपिंग कर उसका टाइपिंग एबिलिटी के सामने होता है। इधर देखिए इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर वैसा प्रिंटर है जो प्रिंट होने के बाद अपना छाप छोड़ेगा। जी सर। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मनुष्य तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी मनुष्य अपना प्रभाव कहीं छोड़ के नहीं आते हैं, है कि नहीं? वही प्रभाव छोड़ते हैं, या तो वो अच्छे आदमी हो या तो बुरे आदमी हो, बीच वाले का कभी भी कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे पहला लाइन क्या कर रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, मतलब प्रभाव को छोड़ते हैं। जैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइपराइटर देखे हैं? जी सर। जो खटखट आवाज करता है, हाँ हाँ, उसकी प्रिंटिंग को देखें। जैसे ही जब प्रिंट होता है तो देखिएगा कि पेज के पिछला साइड में हल्का सा रुखरापन आ जाता है, जहां जहां जी सर, वो मतलब छप जाता है पीछे टाइप का। हाँ, क्योंकि वो हैमर के द्वारा, एक हथौड़ी के द्वारा उसे पीटा जाता है, मतलब कि जो अंक होते हैं उसमें वो अचानक स्प्रिंग जिस बटन को दबाते हैं वो रोटेट होकर के उस पे एक छाप छोड़ देता है। यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है जिसमें धातु एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज एवं रिबन से टकराता है। ठीक है, जैसे आप टाइपराइटर भी देखिएगा तो एक हल्का पतला रिबन होता है लगभग में आधा इंच का, एक रिबन घूमता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं,
प्रिंटर का वर्क नहीं, वर्किंग नहीं इनको दिखाना है, तुमको हेडर दिखा रहे हैं उसको। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये? जी सर। यस सर। हाँ हाँ, तो जैसे ही हम किसी भी बटन को दाबेंगे तो यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिक वहां पे टाइप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ उठ करके वहां गिरता है, जैसे हम यूट्यूब पे आपको दिखाते हैं। नहीं सर, रियल पे देखे हैं। देखे हैं ना? हाँ हम देखे हैं। तुम जो नहीं देखे सर। हाँ यहाँ पे देखिए कैसे वर्क करता है। देखिए किस तरह से क्या पेज लगाएगा, सेम चीज वही चीज हम लोग प्रिंटर में यूज करते हैं। राउंडिंग पेज करना है, उसके बाद सेट करके अपना टाइपिंग करके। ये देखिए कर रहा है ना, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, तो देखिए हैमर की तरह जा रहा है ना। और ये देखिए यहाँ पे आपको सेट कर रहा है, और यहाँ पे गौर से देखिएगा, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए लाल कलर का जहाँ दिख रहा है वहां पे आपका ये जो है लाल जहाँ है ना, इसके पीछे काला दिख रहा है आपको कुछ जी, ये जो काला है यही आपका रिबन है, ठीक है? ब्लैक कलर का रिबन रहता है, उसमें वायल हाँ, लगा हुआ रहता है। वायल लगा हुआ भी रहता है, किसी किसी में वायल नहीं भी लगा रहता, नॉर्मली रहता है, जिस तरह से क्या कह सकते हैं कार्बन नहीं होता है हाथ में लग जाता है, बिल्कुल वैसा ही वो होता है जी सर। ठीक है, तो ये है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। आते हैं इसमें, तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है होते क्या है, कितने प्रकार के, तो इसमें जो है आपका लगभग में चार इतना दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को इतना पढ़ना नहीं है, पांच है आप लोग को, मात्र तीन ही पढ़ना है, जिसमें आपका डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील तो पढ़ लाइन लाइन प्रिंटर भी पढ़े हैं हल्का फल्का। हाँ, तो ये तीन जो है आपका पढ़ना है इस सेमेस्टर में, यानी कि इस साल, ठीक है? डॉट मैट्रिक्स का आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए हैं टिकट कटाने? जी सर। यस सर। हाँ, तो वहाँ देखिएगा कि जो प्रिंट जो कागज करता है उसमें डॉट डॉट होता है किसी भी कैरेक्टर, उसी को कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो होता क्या है वो देखिए, ये जहाँ भी प्रिंटर होगा ना बहुत आवाज करता है, ची ची करके ये आवाज करेगा। याद आ गया? यानी कि ऐसा साउंड होता लगता है जैसे उसके बाजू में बैठना मुश्किल है। तो यहाँ देखिए यह एक किसका आवाज आ रहा है कच कच करके, डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है, यह एक इंपैक्ट प्रिंटर है, और यह जो है प्रिंट करते समय बहुत शोर करता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रिंट हेड में कई सारे पिंस होते हैं, ठीक है? और वो पिंस जो है मैट्रिक्स के रूप में होता है, मैट्रिक्स समझते हो? कौन कौन ग्रेजुएशन कर रहा है इसमें? मैट्रिक्स होता सर आईबीयू कर रहे हैं। हाँ, मैथ जो होता है 12th का। हाँ, 11th अभी होता है 11th 12th दोनों में रो और कॉलम होता है सेट में। हाँ, दोनों इक्वल सर। सेट सर। जी सर। सेट नहीं, सेट दूसरा हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ हाँ, उसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होता है सर। हाँ, दोनों बराबर होगा। हाँ सर, रो कॉलम है सर। हाँ, उसी तरह से ये मैट्रिक्स के रूप में ये वर्क करता है। क्या होता है, प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श करेगा, मतलब कि जितना भी पिन है वो क्या करेगा, रिबन पे स्पर्श करेगा, ठीक है? और वही जो रिबन पे स्पर्श करता है वही कागज में छपता है। जैसे आप लोग मोहर देखे हैं, स्टाम्प जिसको कहते हैं, तो जो उभरा हुआ चीज रहता है वही प्रिंट होता है ना हमारे कागज पे। जी सर। और जो उभरा नहीं रहेगा तो प्रिंट होगा कभी? नहीं होगा ना। नहीं। बस वही चीज है इस यहाँ पे, कहता है कि जो पिन
हिट करेगा उस रिबन पे, वही कागज पे छपा। ठीक है, अगर आपको लोग को घर में करना है तो, अगर आप लोग को घर में करना है तो कौन है जी माइक लगा के रखा है, कौन है जी माइक लगा के रिपीट हो रहा है सर, आप कोई माइक लगा दिया है स्पीकर के पास? रोशन बड़े शांत है, रोशन तो आज चुपचाप है सर। रोशन अरे कम से कम उसको सुने तो दो, चुपचाप है तो। और आप लोग को एक चीज बताते हैं, इसका वीडियो में वही बात कीजिएगा, क्योंकि ये सारा वीडियो YouTube पे अपलोड होगा। यस सर। ठीक है, एडिट नहीं होगा सर? नहीं, एडिट नहीं होगा। जिप कर ला दे। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रिंट हेड जो है कितने के होते हैं, 7, 9, 14, 18, 24 पे। और किस रूप में होते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल माने मतलब जो उखड़ा हुआ होता है सर, वो क्या खड़ा या लेटा हुआ? हाँ, हॉरिजॉन्टल खड़ा या लेटा हुआ, जल्दी बताओ। हाँ सर, जो जिसको स्तंभ बोल सकते हैं। हाँ, स्तंभ बोल सकते हो। कस्टम कैसा खड़ा हुआ होगा सर? हाँ सर, हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो यही चीज है इसमें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबवत में होता है, और एक बार में एक कॉलम की पीने जो है प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट छापती है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जितना भी पिन है डॉट मैट्रिक्स में आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने पीने होती है। क्लियर है? Yes, तो ध्यान से, क्योंकि आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपका प्रिंटर से होगा और नेटवर्किंग एरिया जो आपका 3 महीना के बाद चालू होने जा रहा है क्लास। ठीक है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है, लाइन की दिशा जो प्रिंट हेड आगे बढ़ता है, मतलब कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा आपका पिन जो है वैसे ही निकलता है और उस पेज पे छपता है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 1 सेकेंड में 30 से 600 कैरेक्टर को वो छाप सकता है। प्रकाश, हमारे यहाँ से आवाज आ रहा है। सर, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया साथ में। ठीक है, 1 मिनट कितना हुआ पर सेकेंड, 30 से 600 कैरेक्टर को ये प्रिंट कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर नहीं होते, मतलब कि इसमें पहले से कोई भी चीज छपा हुआ नहीं होता। जैसे टाइपराइटर में मैंने बोला था कि जो भी अक्षर आप इधर दिख रहा है वो उसमें प्रिंटेड रहेगा पहले से ही, जैसे मोहर में पहले से ही प्रिंट रहता है ना बना हुआ, इसमें वैसा नहीं होता है। जरूरत के अनुसार वो डॉट जो है कागज पे छपेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताइए, कंप्यूटर जो है कौन सी भाषा समझता है? जीरो कब काम करता है और वन कब काम करता है? जब उसको चलो सबके घर में स्विच है, स्विच देखो जो जल्दी से। ओ अच्छा, हाँ सर, जब ऑन करेंगे तो वन काम करेगा और ऑफ करेंगे तो जीरो काम करेगा। हाँ, ओस माने ऑफ, यानी कि जीरो जो ऑफ का हो गया और एक जो हो गया ऑन के रूप में।
क्लियर है सर। अब इसको समझ लीजिए, बाकी नीचे जो लिखा हुआ है देख लें, ठीक है। चलिए क्लियर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर समझ में आ गया? यस सर। अब है डेजी व्हील, देखिए टाइपराइटर की तरह कुछ दिख रहा है? एक सौ छह, हाँ। तो डेजी व्हील है क्या? यह जो है सॉलिड मुद्रा अक्षर है, मतलब कि इसमें पहले से ही क्या है कुछ अक्षर प्रिंट किए हुए हैं, और यह जो है एक सर्कल की तरह वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है, मतलब एक फूल की तरह। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसे आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, मतलब ये बहुत धीरे वर्क करता है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स जो है इससे ज्यादा तेज है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डल होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेजी व्हील की अपेक्षा, ठीक है। जैसे आप लोग पुराने फोन देखे हैं, पुराने फोन बोले तो कीपैड वाला सर? नहीं, कीपैड वाला भी नहीं। सबसे फर्स्ट टाइम जो सैमसंग के चला था वो टेलीफोन सर? अच्छा, ये कार वाला? बायर वाला? हाँ ये वाला, यस सर। ठीक है, इसमें क्या था, अगर नॉक नौ अगर करना तो हमको पूरा घुमाना पड़ेगा, है नौ से करेंगे पूरा एक बार राउंड मारेगा, है कि नहीं, और वन करना है तो हल्का सा ही। तो बिल्कुल मेरा ये डेजी व्हील उसी की तरह, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से पूरा होगा 26, फिर स्मॉल में होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ये सारा चीज, ठीक है, अगर इंग्लिश का है तो। क्लियर है? अब मान लो कि उसको यहीं पे इस पोर्शन पे अगर प्रिंट होगा, अगर जेड है तो ये पूरा जेड घूमेगा, एक चक्कर मारेगा, तब जाके प्रिंट करेगा। जेड के बाद अगर ए है तो ए तो यहां से तुरंत ले लिया, लेकिन अगर मान लो कि छोटा ए होगा तो छोटा ए बड़े जेड के बाद छोटा ए आएगा ना? जी सर। अगर अगर इधर कैपिटल ए से शुरू करते हैं तो कैपिटल जेड तक हो गया, फिर स्मॉल ए से शुरू होगा, स्मॉल जेड तक जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अगर गौर से इसमें देखो तो हमको लग रहा है कि कुछ दिख रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो कुछ अक्षर दिख रहा है इसमें, और जूम करें। यस सर। नो सर, नहीं दिख रहा। देखो यस सर, दिख रहा, दिख रहा ब्लॉक्स बीच में सर, नहीं किनारे, ये देखो। यस यस सर, 9 2 0 1 0 दिख रहा है सर, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है इसमें। ये नाइन वाला नहीं, नहीं वो मत देखो, यहाँ देखो नीचे, सबसे नीचे वाला जो डी डब्ल्यू वाई के एम बड़ा कैपिटल स्मॉल दोनों लिखा हुआ है, इसे उल्टा पुल्टा ऐसे, अरे उल्टा पुल्टा, एक कैपिटल एक स्मॉल फिर स्मॉल 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 फिर कैपिटल ऐसे दिया हुआ है। अच्छा किसको उल्टा दिख रहा है? उल्टा नहीं है सर, मतलब स्मॉल कैपिटल है। रोशन भैया को सर फोन को उल्टा कर दो, या तो खुद उल्टा हो जाओ, दिख जाएगा सीधा। सही बात सर, ठीक है। चलिए तो वही है, अब यहाँ पे है कि उस तरह से अगर हमें घूमना होगा तो एक चक्कर वो राउंड मारेगा, तब तो जाके उस चीज को प्रिंट करेगा ना, तो पूरा एक चक्कर मारने में कुछ तो मिली सेकेंड नैनो सेकेंड कुछ तो समय खाएगा, जब कुछ समय खाएगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगा? उसका स्पीड कम होगा सर, ज्यादा होगा, उसका स्पीड ज्यादा होगा। पागल है, ज्यादा होगा कि कम होगा सर? कुछ सेकंड खा रहा है तो तुरंत। आपके पास दो फोन है, एक फोन यहाँ पे एक फोन यहाँ पे है, ठीक है, दोनों दिख रहा है ना? जी यस सर। अब अगर किसी को पूरा नंबर, जैसे आप ही का फोन नंबर अगर हमको डायल करना होगा तो इसमें ज्यादा समय लगेगा या इसमें ज्यादा समय लगेगा? ज्यादा इसमें घुमाने वाला में, हाँ घुमाने वाला में लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि वो पूरा घूमेगा, फिर वापस जब तक अपनी जगह पे नहीं आएगा तब तक हम दूसरा नंबर टाइप नहीं कर सकते।
ठीक है, लेकिन बटन में क्या है, पहला नंबर लो या ना लो, दूसरा दाब सकते हैं। माइक हटा लो बाबू। नीतीश कुमार कौन है? नीतीश माइक बंद करो अपना। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो वही इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, कहाँ पे था भूल गया हम भी। हाँ, यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसकी आउटपुट जो है स्पष्टता क्या है, उच्च होती है। हाँ, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर पत्र छापने में किया जाता था। सिर्फ लेटर छपते थे इसमें, ना ही तो आप इमेज छाप सकते हो और ना ही इसमें आप किसी की गणना भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इमेज तो नहीं छाप सकते, लेकिन गणना हम कर सकते हैं उसमें, यानी गणना किया हुआ चीज को हम वहां पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। चलिए बाकी आप अपने से पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ लिए? यस सर। चलो तीसरा लाइन प्रिंटर पढ़ो इसे भी। उसके बाद समझाते हैं। कुछ समझ में आया? हाँ सर, ये जो है उसी की तरह है, उससे उच्च गति का प्रिंटर होता है ये। ये पूरा एक बार में एक पूरा लाइन छापता है और तीन, तो ये कम से कम तो एक मिनट में 300 से 3000 लाइन पूरा छाप सकता है। हाँ, और उसका जो गति था उसका थोड़ा कम, उसका कम था इसके अपेक्षा। अब देखो जितने भी प्रिंटर अभी तक हमने जो पढ़ा, क्लियर है? दो प्रिंटर पढ़े ना, पहला डॉट मैट्रिक्स, दूसरा डेजी व्हील। दोनों जो है कैरेक्टर को छापता है। ठीक है, देखिए एक कैरेक्टर जैसे राम है, तो राम में तीन कैरेक्टर है, आर ए एम, है कि नहीं? तो पहला ये आर छापेगा, उसके बाद ए छापेगा, तब जाके एम छापेगा। लेकिन इसमें लाइन प्रिंटर में पूरी एक लाइन, जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय वो एक बार में वो छाप देगा, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी ना उससे। हाँ सर। हाँ, तो ये चीज है। ठीक है, लाइन प्रिंटर समझ में आ गया? यस सर। अब ड्रम चैन ब्रांड, सॉरी बैंड प्रिंटर, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे। ये तीन ही प्रकार है, यहाँ पे देख लीजिए। ड्रम प्रिंटर इस प्रकार के होते हैं, इसको हम बढ़िया से कल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट सर।